इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस श्रेणी में उन वर्गों के तत्व आते हैं जिनमें एक-एक करके पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। चूंकि कुल 3 पी कक्षक होते हैं और प्रत्येक पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अतः कुल मिलाकर 6 वर्ग ऐसे होते हैं जिनमें पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम रहता है। पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों ही प्रकार के तत्व सम्मिलित होते हैं। इसमें वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 व 18 सम्मिलित हैं। इसमें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं, और बोरोन के नीचे आने वाले सभी तत्व बोरोन फैमिली में आएंगे। कार्बन और उसके नीचे के सारे तत्व कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, इसी प्रकार से ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और हीलियम फैमिली के अंतर्गत तत्व आएंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट की सामान्य विशेषताएं ये हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन आखिरी पी कक्षक में प्रवेश करता है, जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP126 होता है। इसमें एक अपवाद भी है, हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। ये आवर्त सारणी में राइट साइड में इनको लिखा जाता है। पी ब्लॉक आवर्त सारणी के राइट साइड होता है। बोरोन फैमिली में बोरोन से नीचे की ओर आते समय त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। इसमें किसी भी प्रकार का अपवाद नहीं है, क्योंकि ऊपर से नीचे पर आने पर त्रिज्या के मान में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। आवर्त सारणी में एक वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ विद्युत ऋणता के मान में कमी आती जाती है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि गैलियम के मान में वृद्धि हो रही है। इसका कारण यह है कि एल्यूमिनियम और गैलियम के मध्य 10 संक्रमण तत्व आ जाते हैं। इस कारण तत्वों का नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे इनका आकार घट जाता है। फलतः बंधी इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण भी अधिक हो जाता है। यही कारण है कि गैलियम की विद्युत ऋणात्मकता एल्यूमिनियम से अधिक होती है। लेकिन आवर्त सारणी में आगे बढ़ने पर यह प्रभाव क्षीण होता जाता है। नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसोस एटम। किसी गैसी परमाणु अथवा आयन के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अथवा उसे अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब बोरोन फैमिली की बात करें तो बोरोन में से लेकर एल्यूमिनियम तक आने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है, और एल्यूमिनियम से टाइटेनियम तक हम देखें तो आंशिक परिवर्तन आता है। गैलियम में 10d इलेक्ट्रॉन उसकी पूर्व कक्षा में उपस्थित होते हैं, जिसके परिरक्षण प्रभाव के कारण बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मजबूती से जुड़े रहते हैं। इसलिए आयनन ऊर्जा का मान आंशिक रूप से ज़्यादा होता है। इंडियम में डी इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित रहते ही हैं, और साथ में शील्डिंग इफेक्ट भी लगातार बना रहता है, पर साइज उसका बढ़ जाता है। इस कारण आयनन ऊर्जा का मान स्लाइडली आंशिक रूप से कम हो जाता है। और टाइटेनियम में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि उसमें डी इलेक्ट्रॉन भी पूरे भरे होते हैं और एफ इलेक्ट्रॉन भी भरे होते हैं, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान
आंशिक रूप से बढ़ जाता है। कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड तत्व आते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP2 होता है और बाह्यतम कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में पाए जाते हैं। कार्बन परिवार में कार्बन अधातु नॉन मेटल है, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम उप धातु हैं, मेटलॉइड हैं, और टीन और लेड ये धातु में या मेटल में आते हैं। कार्बन परिवार में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है, पर सिलिकॉन के बाद में वृद्धि बहुत कम होती है। इसका कारण शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव है, क्योंकि इन तत्वों में डी और एफ इलेक्ट्रॉन पूर्णतया भरे होते हैं, इसके कारण परमाणविक त्रिज्याओं में आशा के अनुरूप वृद्धि नहीं होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा का मान कार्बन से सिलिकॉन तक आते हुए कम होता है और सिलिकॉन से टीन तक आते हुए इसका मान में कमी आती है, पर टीन से लेड की ओर आते हुए इसमें आंशिक रूप से वृद्धि होती है, जबकि कार्बन से लेकर लेड तक आकृति में आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है, आयनों के आकार में वृद्धि होती है। वृद्धि होने के कारण आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है और शील्डिंग इफेक्ट का मान ऊपर से नीचे आने पर कम होता है, साथ में आयन बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा में भी कमी आती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कार्बन से लेकर सिलिकॉन तक कम होता है और सिलिकॉन से लेकर टीन तक ये मान लगातार समान बना रहता है, और इसके बाद आखिरी में लेड तक जाने में ये थोड़ा सा आंशिक रूप से इसमें वृद्धि हो जाती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज एंड लोएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम, कार्बन इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट इन ग्रुप 14 फैमिली। ग्रुप 14 में कार्बन सबसे ज़्यादा कठोर तत्व होता है। ऑलमोस्ट द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14, कार्बन हैज़ द हाइएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाइएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। ये कार्बन की जो गलनांक और क्वथनांक है ये उच्चतम होते हैं, इसकी आयनन ऊर्जा का मान भी उच्चतम होता है और ये सभी तत्वों में अधिक विद्युत ऋणी भी होता है। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इट हैज़ नो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन। डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इसमें संकुल आयन बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। कार्बन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्स एल्किन एंड एल्काइन। कार्बन द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण कर सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी गुण पाया जाता है। कार्बन शो मैनी एलोट्रोप्स, कार्बन के कई अपर रूप पाए जाते हैं। यहाँ कार्बन के अपर रूप दिखाए गए हैं। कार्बन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस फॉर्म में पाया जाता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन तीन प्रकारों में हमें प्रकृति में पाया जाता है। एमोर्फस चारकोल एंड लैम्प ब्लैक, चारकोल जो है वुड चारकोल और एनिमल चारकोल, दो तरीके के चारकोल में हमें प्रकृति में मिलता है।